गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डायगनल मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग कैसे किया जाता है। डायगनल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग ए नंबर। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 97 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो हम लोग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 रोज और 2 कॉलम्स ड्रॉ किया और ऊपर में 97 लिख दिया फर्स्ट बॉक्स के पास, सेकेंड बॉक्स यानी कि स्क्वायर के पास फर्स्ट बॉक्स 97 एंड नीचे भी इन द कॉलम, कॉलम में भी फर्स्ट बॉक्स 9 सेकेंड बॉक्स 7। ये आपका जो है हॉरिजेंटल है तो वह रोज है। ठीक है, और उसके बाद ये डायगनल हो गया, इस डायगनल को मैंने ज्वाइन किया, फिर दूसरा डायगनल ज्वाइन किया, फिर तीसरा डायगनल, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जब 2 रहता है तो ये 3 डायगनल्स आपके बनेंगे। ठीक है, नाउ अब ये 9 × 9 81 होता है, 2 डिजिट्स है तो ऊपर 8 नीचे 1, फिर 9 × 7 63 होता है, 6 ऊपर 3 नीचे, फिर 7 से 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, 7 × 9 63, 6 ऊपर 3 नीचे, 7 × 7 49, तो 4 ऊपर 9 नीचे। अब नीचे से ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है 9, उसको मैंने लिखा, दूसरा 3 4 3 इस तीनों को मैंने ऐड किया, 10 0 को अंडरलाइन किया, ये 1 बचा, ये 1 इसके ऊपर वाले में ऐड कर दिया जाएगा, तो ये तीनों को ऐड करने से 6 1 6 13 होता है, 13 में मैंने 1 ऐड कर दिया, ये वाला 10 डिजिट, तो यहाँ 14 होता है, तो 1 डिजिट को मैंने अंडरलाइन किया और ये 10 डिजिट इसके पहले वाले में ऐड किया जाएगा, पहले वाले में 8 है, 8 में मैंने 1 ऐड किया तो 9 हुआ, 9 को अंडरलाइन किया और तब मेरा स्क्वायर 97 का स्क्वायर आता है, 9 जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको मैंने यहाँ लिखा 9409, तो 97 का स्क्वायर हो गया 9409। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 89² 1। यह भी आप देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो मैंने यहाँ 2 रोज बनाए, 2 कॉलम्स बनाए, उसके बाद डायगनल्स को मैंने ज्वाइन किया, ये डायगनल हुआ, यहाँ से यहाँ एक डायगनल हुआ और ये तीसरा डायगनल, 3 डायगनल्स बनेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स जब 2 रहेंगे तो। अब 8 और 9 ऊपर में मैंने लिख दिया फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स में, नीचे भी कॉलम में भी 8 और 9 मैंने लिखा, अब 8 × 8 64 होता है, तो 6 ऊपर 4 नीचे, 8 × 9 72, 7 ऊपर 2 नीचे, फिर दूसरा डिजिट है 9 9 × 8 72, तो 7 ऊपर 2 नीचे, फिर 9 × 9 81 होता है, तो 8 ऊपर 1 नीचे। उसके बाद ये जो डायगनल के नीचे है यानी कि फर्स्ट 1 1 लिखा मैंने, 1 को अंडरलाइन किया, इस तीनों को मैंने ऐड किया तो 12 आया, 1 डिजिट 2 है, 2 को मैंने अंडरलाइन किया और ये 10 डिजिट 1 इसके ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा, तो ऊपर में 7 4 7 है दोनों डायगनल के बीच, उसको मैंने ऐड किया तो ये होता है 18 18 में 1 मैंने ऐड किया तो ये 19 हो गया, ये 9 1 डिजिट है इसको अंडरलाइन किया मैंने और 1 जो बचा 10 डिजिट उसको इसके ऊपर वाले में ऐड करूँगा, तो ये 6 है यहाँ पर और इस 6 में 1 ऐड किया तो 7 को अंडरलाइन किया और जितना मैंने अंडरलाइन किया तो ऊपर से नीचे सबको मैंने लिख दिया, तो 89² रिक्वेस्ट हो गया 7921, दैट इज 7920। अब तीसरा एग्जांपल लेता हूँ 3 डिजिट्स का, तो 314² रिक्वेस्ट हुआ, तो हियर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 3 है, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हम लोग ड्रॉ करेंगे और सभी डायगनल्स को ज्वाइन कर देंगे, तो
तो देखिए ये मैंने बनाया तो यहाँ थ्री रोज हो गए, एक दो तीन, और थ्री कॉलम्स, वन टू थ्री, ये तीन कॉलम्स। अब सभी कॉलम्स में थ्री वन फोर, ये कॉलम्स के ऊपर मैंने लिख दिया थ्री वन फोर, और रोज के नीचे मैंने लिख दिया थ्री वन फोर। अब ये पहला डायगनल, इसको मैंने ज्वाइन किया, दूसरा डायगनल ये हो गया, इसको मैंने ज्वाइन किया, तीसरा डायगनल ये हुआ, इसको मैंने ज्वाइन किया, और चौथा डायगनल ये हुआ, इसको मैंने ज्वाइन किया, पांचवा डायगनल ये। तो इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डायगनल्स होते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो थ्री को थ्री से किया नाइन, नाइन मीन्स टेंथ डिजिट कुछ नहीं है, तो टेंथ डिजिट में ऊपर जीरो लिखूंगा, और यूनिट डिजिट नाइन है, नाइन लिखूंगा। ठीक है, थ्री इंटू वन, थ्री यानी कि सिंगल डिजिट है, तो ऊपर जीरो नीचे थ्री, फिर थ्री इंटू फोर ट्वेल्व यानी कि टू डिजिट्स है, तो ऊपर वन नीचे टू। फिर वन से थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वन इंटू थ्री थ्री होता है, थ्री दैट मीन सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट है, तो ऊपर जीरो नीचे थ्री, वन इंटू वन वन होता है तो जीरो वन लिखूंगा, वन इंटू फोर फोर होता है तो जीरो फोर लिखूंगा, फिर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व होता है तो डबल डिजिट है, तो वन ऊपर टू नीचे, फोर इंटू वन फोर तो ऊपर जीरो नीचे फोर, एंड फोर इंटू फोर सिक्सटीन होता है तो वन एंड सिक्स। उसके बाद मैंने ये सिक्स लिखा, इस तीन को मैंने ऐड किया तो नाइन हुआ, इसको अंडरलाइन कर लिया, इस चारों को मैंने ऐड किया तो फाइव आया, अंडरलाइन किया इसको, इसको मैंने ऐड किया तो ये एट हुआ, एट को अंडरलाइन किया, इसको मैंने ऐड किया तो नाइन हुआ, इसको मैंने ऐड किया तो जीरो हुआ। तो जीरो मीन्स स्टार्टिंग जीरो होता है, दैट मीन्स नथिंग, इसको नहीं लिखेंगे। तो मेरा जो अंडरलाइन किया हुआ है फ्रॉम अप टू डाउन नाइन एट फाइव नाइन सिक्स, तो थ्री हंड्रेड फोर्टीन टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है नाइन हंड्रेड फिफ्टी थ्री टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वट, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स थ्री ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डायगनल्स को जॉइन कर देंगे। तो नाइन फाइव थ्री ऊपर मैंने लिखा, नाइन फाइव थ्री नीचे मैंने लिखा, कॉलम्स में भी लिखा, रोज में भी लिखा, नाइन इंटू नाइन एटी वन तो एट वन लिखा, नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव फोर फाइव लिखा, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन टू सेवन लिखा, फिर फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव फोर एंड फाइव लिखा, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव टू एंड फाइव लिखा, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन वन फाइव लिखा, थ्री इंटू नाइन ट्वेंटी सेवन टू सेवन, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन वन फाइव लिखा, थ्री इंटू थ्री नाइन तो जीरो नाइन लिखा। उसके बाद इस नाइन को मैंने लिखा अंडरलाइन किया, इस दोनों को ऐड किया टेन, तो जीरो को अंडरलाइन किया, वन इसके पहले वाले में ऐड कर दूंगा, इसको ऐड करते हैं तो फोर्टीन आता है, सॉरी यहाँ फोर्टीन नहीं आएगा, यहाँ आएगा एट एट फाइव थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन एंड सेवन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस वन टू आया, टू को अंडरलाइन किया, और ये टू इसके पहले वाले में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ऐड करने से आता है सेवन सेवन फोर्टीन टू सिक्सटीन, टू ऐड करूँगा तो एट, एटीन आया तो एट अंडरलाइन, वन इसके पहले वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाइन, नाइन प्लस वन टेन, जी टेन जी, इसको टेन जीरो को अंडरलाइन किया और ये एट आता है, एट में वन ऐड किया कर दिया। अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया तो मेरा आंसर होता है नाइन जीरो, नाइन जीरो एट, नाइन जीरो एट टू जीरो नाइन, यानी कि आपका आंसर हो गया नाइन लैक्स एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन नाइन हंड्रेड फिफ्टी थ्री का होल स्क्वायर। और रोज का ये याद रखना है, रोज जो है हॉरिजेंटल होता है, कॉलम्स वर्टिकल होता है। थैंक यू, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।